सेवन, आज हम न्यू चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइंगल क्या होता है? ए ट्राइंगल इज़ ए क्लोज फिगर मेड ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स, इट हैज़ थ्री वर्टिसेस एंड थ्री एंगल्स। ट्राइंगल जो है थ्री लाइन सेगमेंट से बनता है। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। ये तीन लाइन सेगमेंट से मिल करके एक ट्राइंगल बनता है। इसके तीन वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस का मतलब जहाँ पर दो लाइन आपस में मीट करती हैं, ए बी एंड सी। इस ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस हैं, एक तो ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। एंगल इसके कौन कौन से हैं? एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। तीन ही इसके वर्टिसेस होते हैं और तीन ही इसके एंगल्स होते हैं। इसको एंगल को हम कैसे लिखते हैं? अगर हमें एंगल ए बताना है तो हम लिखेंगे एंगल बी ए सी। यानी एंगल जो है वो हमेशा सेंटर में होता है, एंगल बी ए सी। ये हो गया एंगल ए। दूसरा एंगल अगर हमें बताना है तो एंगल बी एंगल बताना है तो एंगल ए बी सी। तो यहाँ पर बी का कितने डिग्री का है ये पता चल जाएगा। तीसरा सी अगर बताएंगे तो एंगल ए सी बी या बी सी ए, एंगल ए सी बी। इस तरीके से हम इसके एंगल को शो करते हैं। सिंबल ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल का सिंबल क्या होता है? ट्राइंगल का सिंबल ट्राइंगल की शेप में होता है। और ये कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ए बी सी। कोई और ट्राइंगल अगर हम बनाते हैं यहाँ पर, जैसे मैं बना रही हूँ, इसका नाम मैं पी दे देती हूँ, इसका क्यू, इसका आर, तो ये एक ट्राइंगल कहलाएगा, ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये ट्राइंगल ए बी सी भी है। इसको दूसरी तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ट्राइंगल बी सी ए, यहाँ से ऐसे लिखेंगे तो ये भी ट्राइंगल कहलाएगा। और हम इसको लिख सकते हैं ट्राइंगल सी ए बी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन सीधा सीधा ट्राइंगल ए बी सी सीधा बोलने में आता है तो हम इसको यही शो करते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेस में हम ट्राइंगल को कैसे बताते हैं। साइड के बेस पर ट्राइंगल तीन प्रकार के होते हैं, स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलिस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? इसकी तीन साइड्स होती हैं और तीनों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर की है तो ये साइड भी 5 सेंटीमीटर की होगी और ये वाली साइड भी इसकी 5 सेंटीमीटर की होगी। ए बी सी, ऑल द साइड्स ऑफ, यहाँ पर स्केलन ट्राइंगल है, ऑल द साइड्स ऑफ स्केलन ट्राइंगल आर डिफरेंट लेंथ। जो स्केलन ट्राइंगल होता है इसकी तीनों साइड जो होती है डिफरेंट लेंथ की होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगा, ये 7 सेंटीमीटर होगा। तो स्केलन ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल अनइक्वल होती है। डिफरेंट लेंथ मीन्स इसको हम अनइक्वल भी लिख सकते हैं, ऑल द साइड्स ऑफ स्केलन ट्राइंगल्स आर अनइक्वल। हम या तो डिफरेंट लेंथ लिखेंगे या हम इसको अनइक्वल भी लिख सकते हैं। दूसरा ट्राइंगल है इसमें आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस ट्राइंगल का मतलब होता है जिस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं और टू उसके, अगर दो साइड इक्वल है तो उसकी एंगल्स भी दो एंगल इक्वल होंगे। जैसे ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, इसका मैं बोलती हूँ अगर ये बी साइड इक्वल है, ए बी साइड इक्वल है और ए बी साइड ए सी के इक्वल है, मीन्स ये अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी साइड 5 सेंटीमीटर की होगी और ये साइड कम हो सकती है। तो जिस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके दो एंगल भी इक्वल होंगे। अब इसकी कौन कौन सी साइड इक्वल है? ए बी साइड जो है, ये वाली साइड इक्वल है ए सी साइड के। तो दोनों साइड ए बी साइड ए सी के इक्वल है, ये है 5 सेंटीमीटर। अब एंगल हमारा कौन सा इक्वल होगा ये जानने के लिए हम देखते हैं कि इनमें कौन सा नंबर आपको कॉमन नज़र आ रहा है। इसमें अल्फ़ाबेट ए इसमें कॉमन नज़र आ रहा है तो बेस एंगल हो जाएगा इसका, दोनों साइड का बेस एंगल होगा, इसका ए हटा देंगे और इसका भी ए हटा देंगे तो एंगल बी एंड एंगल सी। तो बेस एंगल एंगल बी और सी बनेगा तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। आइसोसेलिस ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी बेस एंगल। तीसरा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ ऑल थ्री साइड्स आर एंड एंगल इक्वल। जो
इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे मैं यहाँ पर एक एंगल बना रही हूँ, एंगल ए बी सी, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है और ये भी 4 सेंटीमीटर का है। तो इसके जो अंदर के एंगल होंगे, अगर साइड इक्वल होगी तो एंगल भी इक्वल होंगे। और जो एक ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, 3 0 0, तो ऑल एंगल 60 डिग्री के होंगे अंदर के। 60 को आप 60 से 6 6 12 12 और 6 18 और 0 लग जाएगा 180 डिग्री। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों ही एंगल इक्वल होते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी, जो ये इसकी साइड है, और सी ए, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इसमें साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर और एंगल है इसमें, अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल तो 60 डिग्री का ही होगा। अब हम ट्रायंगल को ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स की बेस पे देखेंगे। एंगल के बेस पे भी जो ट्रायंगल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा का मतलब होता है कि ऑल एंगल्स होंगे, जो ये ट्रायंगल है इसके तीनों जो एंगल होंगे 90 से कम के होंगे। लेकिन अभी मैंने ट्रायंगल का एडिशन आपको बताया कि ट्रायंगल का जो एडिशन होगा वो 180 ही होना चाहिए, उसके जो एंगल का जो सम है वो 180 ही होना चाहिए। अगर एक एंगल 70 डिग्री का है, दूसरा एंगल 50 डिग्री का है, तो तीसरा एंगल, देखो ये एंगल भी एक्यूट है 90 से कम है, ये एंगल भी एक्यूट है, ये भी 90 से कम है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 120 बनेगा। अब बाकी बचा 180 में से हम 120 को माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। तो तीनों ही एंगल क्या हैं, 90 डिग्री से छोटे होंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इट हैज़ ऑल थ्री एक्यूट एंगल, तीनों ही एंगल एक्यूट होंगे इसके। दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या बताता है, एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हैज़ 1 ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है 90 से ज़्यादा का होता है। जैसे ये एंगल बनाया मैंने, ये देखो ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से ज़्यादा है, तो इसके जो दोनों एंगल होंगे 90 से कम के होंगे, क्योंकि 90 और 90 कितना होता है, 90 प्लस 90 180 होता है। तो अगर एक एंगल 90 से ज़्यादा का होगा तो बाकी तो दोनों एंगल 90 से छोटे ही होंगे। तो ये एंगल अगर 120 डिग्री का है या 110 डिग्री का है तो बाकी हमारे पास कितना बचेगा, 70 डिग्री बचेगा। 70 में से अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। अगर इसको आप ऐड करेंगे 11 और 3 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बताता है कि इसका एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा और बाकी जो दोनों एंगल हैं वो इसके एक्यूट होंगे। तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री इस तरह से शो किया जाता है, बाकी एंगल को हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन 90 डिग्री को हम ऐसे लिखते हैं, इससे पता चल जाता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर मतलब सीधी लाइन में होता है। अगर ये 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों एंगल जो होंगे 90 से कम के होंगे, क्योंकि 90 प्लस 90 180 होता है। अगर ये एंगल 40 डिग्री का है तो दूसरा एंगल 50 डिग्री का हो जाएगा। तो ए राइट एंगल ट्रायंगल हैज़ 1 राइट एंगल, इसके अंदर एक ही राइट एंगल होता है। अब प्रॉपर्टी में मैंने शुरू में मैंने आपको बताया कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है अगर ये 90 डिग्री का है तो ये आइसोसेलिस भी हो सकता है। आइसोसेलिस ये ट्रायंगल कैसे हो सकता है, तो ये एंगल 45 डिग्री का भी हो सकता है और ये एंगल 45 डिग्री का भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसको ऐसे शो कर रही हूँ, ज्योमेट्री में सेट स्क्वायर देखा होगा आपने, उसमें एक सेट स्क्वायर 30 डिग्री का होता है, नीचे 60 डिग्री का होता है यहाँ, और दूसरा जो होता है एक 45 डिग्री का होता है ऊपर से, और दूसरा भी 45 डिग्री का होता है। तो ये वाला जो ट्रायंगल है आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल है।
आइसोसेल इसका मतलब इसकी दो साइड इक्वल होंगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, और ये राइट एंगल भी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल। इसी तरीके से जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है वो आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं, उसको हम इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पर पढ़ा था अभी, इक्विलेटरल ट्राइंगल इसके तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल इक्वल हैं, तो इसको हम इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी कहते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस के लिए फिगर बनाई है मैंने, राइट स्केलन आइसोसेलिस इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसको हमने इसमें शो करना है। स्केलन ट्राइंगल भी देखेंगे, आइसोसेलिस ट्राइंगल भी देखेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी देखेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी देखेंगे और राइट एंगल ट्राइंगल भी देखेंगे। पहले वाला फिगर है, इसमें 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तीनों ही साइड इक्वल है, तो ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, 90 का मतलब राइट, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तीसरा ये एंगल जो है 90 से ज़्यादा का है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। चौथा एंगल 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तीनों ही अलग अलग है, तो ये स्केलन ट्राइंगल है। पांचवा 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दो साइड इक्वल है, तो ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है। नेक्स्ट इसमें आपको साइड भी इक्वल दी हुई है और एंगल भी इक्वल दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इक्विलेटरल भी है और एक्यूट भी है, इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट है ये राइट का साइन है, तो ये राइट हो गया, और इसकी इस तरीके से मार्क अगर है तो इसका मतलब है दो साइड इक्वल है। ये साइड अगर 5 सेंटीमीटर है या 7 सेंटीमीटर है, तो ये साइड भी 7 सेंटीमीटर होगी, तो इसकी दो साइड इक्वल है, और ये आपका राइट एंगल भी है, तो ये कहलाएगा आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइंगल और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और ऑन द बेसिस ऑफ साइड के आधार पर हमने आज ये ट्राइंगल के दोनों टाइप सीख लिए। नेक्स्ट है मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। मीडियन का मतलब होता है सेंटर, बीच वाला। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू द अपोजिट वर्टिसेस आर कॉल्ड मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। अब ए अगर एंगल को अगर हम देखेंगे, इसका अगर मीडियंस देखेंगे, तो ए एंगल का मीडियंस बनेगा इसके ऑपोजिट साइड बी सी में। यहाँ पर इसका ऑपोजिट साइड है, सी का ऑपोजिट साइड ए बी का ऑपोजिट साइड है ये वाला, और ए सी का ऑपोजिट साइड है ये वाला। ए बी का सेंटर पॉइंट ये है, ए सी का सेंटर पॉइंट ये है, बी सी का सेंटर पॉइंट ये है। अब हम इससे लाइन खींचेंगे, ये इसकी 3 मीडियंस बन गए। इसको मैं नाम दे रही हूँ एफ, ये है ई और ये है डी। तो यहाँ पर डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ए सी एंड ए बी, ये तीनों ए बी बी सी और ए सी का मिड पॉइंट है डी ई और एफ। तो देखिए ये जो है ए डी सी एफ और बी ई, डी ई एफ क्या है,
मिड पॉइंट ऑफ साइड्स, और बी सी, ए सी एंड ए बी, ये तीनों क्या है, ये इसके साइड्स के मिड पॉइंट हैं डी ई एफ। और लाइन सेगमेंट क्या बने, मीडियंस कौन कौन से हैं, डी ए डी, बी ई एंड सी एफ। तो ए डी, बी ई एंड सी एफ आर इट्स मीडियन, ये तीनों जो हैं ये इसके सेगमेंट्स हैं। कौन कौन सी, डी इसका मिड पॉइंट है बी सी पर आया, एफ मिड पॉइंट ए बी पर आया, और ई मिड पॉइंट ए सी पर आया। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का एल्टीट्यूड का मतलब होता है ट्राइंगल के तीन साइड्स होती है, तीनों साइड से एल्टीट्यूड, अब तीन ही एल्टीट्यूड बनती है, और ये जो हर पॉइंट से ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर बनती है। द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेसिस वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड सो दैट इट बिकम परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगी, सी से हम इस तरह से लेंगे तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगी, और बी से हम लेंगे तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगी। तो किसी भी ट्राइंगल में तीन एल्टीट्यूड होते हैं और तीन ही मिड पॉइंट्स होते हैं। नोट क्या है, एन एल्टीट्यूड इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड। ये जो वर्टेक्स है इसके अपोजिट साइड का जो ये डिस्टेंस होता है इस लाइन के डिस्टेंस से छोटा होता है। दूसरा है एन एल्टीट्यूड माइट बी आउटसाइड। एल्टीट्यूड जो है आउटसाइड में भी बन सकता है, जैसे मीडियन तो अंदर ही बनता है, मीडियन अंदर ही बनता है, लेकिन जो एल्टीट्यूड होता है वो ट्राइंगल के आउटसाइड में भी बन सकता है। जैसे ट्राइंगल हमने ये लिया, ये हमारा ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल के अंदर जो एल्टीट्यूड नहीं बन सकता है, तो इसका एल्टीट्यूड बनाने के लिए हम इसके बाहर की तरफ इसका एल्टीट्यूड बनाएंगे। तो किसी भी ट्राइंगल में बाहर की तरफ भी एल्टीट्यूड बनता है। हेयर ए डी, ये जो ए डी है, ये ए डी जो है बी सी लाइन पर परपेंडिकुलर, ये बी सी लाइन है, इस पर ये ए डी लाइन परपेंडिकुलर है। तो ए डी इज़ द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ए, ए वर्टेक्स से ये ए डी एल्टीट्यूड ड्रॉन किया गया है टू बेस बी सी, बी सी लाइन पर ये एल्टीट्यूड ड्रॉन किया गया है, और ट्राइंगल कौन सा था, ए बी सी। तो आज आपने ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स और मीडियंस और एल्टीट्यूड के बारे में सीखा। इसको आप अपने घर पर करेंगे, होमवर्क में पूरा कंप्लीट करना है। थैंक यू।